हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इतने सारे पार्सल्स है कि आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मीशो बैग हॉल, वो भी आपकी ओन डिमांडिंग पे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ साथ में बताऊँगी कि मुझे ये प्रोडक्ट उसी चीज़ में मिले जो मैंने ऑर्डर किए थे या फिर कुछ और मिला है। सो अगर उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यू कैन डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको सबकी सभी अपडेट्स मिलती रहे। सो लेट्स टू स्टार्ट द वीडियो। और रुको 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 रुको, जी ये भी बता दो कि इस सभी हैंडबैग्स में कोई ट्रेंडिंग्स हैं, कोई कैजुअल है, कोई हैंडबैग्स है, कोई शोल्डर बैग्स है, तो आपको जो पसंद आएगा मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस लिंक से डायरेक्ट ले सकते हैं। सो लेट्स टू स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी इस पार्सल की ओर, और इसकी ना मैं साइड में आपको पिक लगा दूंगी विद प्राइस के साथ, तो आप वहां से देख लीजिएगा कि मैंने एग्जैक्ट क्या ऑर्डर किया था, मुझे क्या रिसीवर है। तो नाउ लेट्स अनबॉक्सिंग। मुझे ना एक्चुअली मेरी प्रीवियस जो वीडियो थी उसका मैं लिंक एक्चुअली अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। मुझे भर भर के कमेंट्स आए थे उसमें कि मैम ये है वो है वट एवर, जो भी आप ये वाले बैग्स ऑर्डर कीजिए, ये कीजिए। तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना आप लोगों को सरप्राइज दिया जाए। तो यहाँ मेरा पार्सल हो चुका है ओपन, और ये थोड़ा ना जयपुर स्टाइल में है, ये हैंडबैग है जो, ओ माय गॉड लुक एट सी यार, कितना अमेजिंग है। चलो अभी इसे करते हैं अनबॉक्स। तो मुझे ना एक्चुअली ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इस बार ये ऑर्डर करना ना बनता है। तो डेफिनेटली काफी जानों को ना जयपुर स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि यस फैब्रिक बहुत अच्छा है। ओ माय गॉड लुक एट द बैग, आई एम टोटली ऑब्सेस्ड। Now you can see that. Oh my God, it's an amazing, like superb quality. Like it's a very very comfortable, lightweight, and look at see the design. Oh my God, you can see that and check the quality of these purse. Oh my God, I am. Literally obsessed. इसके साथ हमें मिल जाता है ये छोटू सा पर्स, और हमें मिल जाती है इसके साथ एक स्लिंग जो कंफर्टेबली आप साइड में जो है वेयर कर सकते हैं, और साथ ही में हमें मिल रही है यहाँ दो जिप्स। आप देख सकते हैं इसकी जो जिप्स हैं, इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, मैं आपको दिखा देती हूँ ना। इसके अंदर इन्होंने फिर से वही कचरा भर के भेजा होगा, ये इतने अच्छे तो है ही नहीं कि ये कचरा निकाल के फेंक के फिर भेजो यार, कम से कम हमें भी थोड़ा आसान हो, बट नहीं इन्हें भेजना है। चलो कोई बात नहीं, मेरी बातों को ना गौर मत किया करो। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्पेस है बेहद अच्छी है, और दो पार्ट्स में इसकी जो डिवाइडिंग है इस बैग की, और इसके पीछे भी हमें एक जो जिप प्रोवाइड हो जाती है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अमेजिंग है जिप की क्वालिटी भी। तो जी हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ रेटिंग की, तो यस इसे मैं 10 out of 9 तो दूंगी। तो यस हाईली रिकमेंड कर रही हूँ इस बैग को, मुझे ये बैग सच में बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा है। इसकी जो लुक है बहुत जयपुर स्टाइल है, तो मुझे अगर मैं इसे कहूँ ना कि रिकमेंड करूँ, जी हाँ मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। तो इसका ये जो छोटू सा पाउच है, हम लेडीज की हैबिट होती है ना कुछ चेन्स रखना, तो जी आप इसमें रख सकते हैं। इसकी भी जो अच्छी खासी स्पेस दे रखी है इन्होंने, और फैब्रिक की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है, सॉलिड है। तो अगर आपको एक डेली वेयर के लिए या फिर एक ऑफिस के लिए या फिर अगर आप जॉब वगैरह करते हो, तो डेफिनेटली इस पर्स के साथ आप जा सकते हैं, इसकी लुक बेहद बेहद अच्छी है। सो आई हाईली हाईली रिकमेंड ऑफ दीज पर्स। तो बात करते हैं हमारे इस वाले बैग की। एक्चुअली ना ये मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं इसका जो है रिव्यू करूँ, बट पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं था, बट फाइनली ये मैंने ले लिया। इसकी भी मैं पिक साइड में लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। नाउ लेट्स अनबॉक्स आपकी ओन डिमांडिंग पे। ये कसम से मुझे पकड़ने में लग रहा है कि ये पर्स बहुत अमेजिंग है। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये ट्राई कीजिए, हमें इसका रिव्यू चाहिए। तो ये है बीच कलर का हैंड बैग, लाइक ओ माई गॉड व्हाट अ बैग, इट्स अमेजिंग। मतलब I have no words about this bag. Like इतना luxurious लग रहा है यार ये। मतलब मीशो, मुझे सच में ना डाउट हो रहा है कि आप मीशो ही चला रहे हो
या मैं गलत मीशो से ले रही हूँ या फिर क्या है। मतलब पहले आप इसकी ना क्वालिटी चेक करो, लाइक इट्स अमेजिंग पर्स, आई हाईली हाईली इम्प्रेस्ड एंड हाईली, मतलब ये एक ऐसा पर्स है जिसे आई थिंक मैंने ना पहली एक वीडियो में 10 out of 10 रेटिंग दी थी एक पर्स को, वो स्लिंग बैग का था। तो इस बैग को ना मैं 10 out of 10 दूंगी। मतलब आप सोचो मत सेकंड ऑप्शन, जाओ और ले लो। मतलब क्या बैग है यार, इसकी जो मतलब क्वालिटी है ना बहुत अमेजिंग है। और ये एक ना बहुत लग्जूरियस टाइप का फैब्रिक है, कोई डिटेलिंग में प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत अमेजिंग चीज है। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। ये पर्स की ओनली 1 जिप अवेलेबल है, बट इसके अंदर जो स्पेस है ना बाबा बहुत ज्यादा है। लाइक अगर आप एक ऑफिस गर्ल हो या फिर कॉलेज गर्ल हो ना, तो हाईली रिकमेंड करूंगी इस बैग को। मतलब कोई भी ले सकता है, कोई भी, कोई ये नहीं है कि परमानेंट कोई डेली के लिए ले या कुछ भी, ये तो हर किसी के पास बनता है। इसकी जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छी है, स्पेस बहुत अच्छी है, और इसका जो कलर है, मेन बात कलर की आ रही है, कलर बहुत अमेजिंग है। मुझे ये पर्स जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ हमें ये छोटा सा केयरिंग भी मिल जाता है, केयरिंग भी मिल जाता है जो इसकी लुक को इनहेंस कर रहा है। और ऊपर से इसका 1 ये डबल इन्होंने स्लिंग दे रखी है कि अगर आप हैंड से नहीं पकड़ना चाहते हैं तो आप इजी शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हो। तो या इसकी लुक कुछ इस तरह से आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा अमेजिंग है ये पर्स। इसमें आई थिंक ना 2 और 3 शेड्स ही अवेलेबल है, ज्यादा नहीं है। और इसकी जो नीचे से कवरेज है वो भी अच्छी है, स्टैंडेबल हो सकता है आराम से, अगर इसमें बॉटल्स या आपका सामान इजी फिट हो जाए तो। यस, इसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। मतलब इसमें ऑप्शन नहीं आपको ढूंढने की नीड है, बहुत अमेजिंग चीज है। जेनरली यार, मतलब इसकी जो प्राइसिंग है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और ड्यूरिंग इस प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलना, इट्स एन अमेजिंग। आई हाईली इजी, कुछ भी कैरी करो इजीली आप पकड़ सकते हो, बिल्डेबल है। तो आई हाईली रिकमेंड ऑफ दीज पर्स, जाओ ले लो, मिस मत करना डेफिनेटली। तो बात करते हैं हमारे इस पर्स की। ये पर्स ना मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में, तो सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, अगर ट्राई करने में क्या जाता है। तो यस, इसे मैंने परचेज कर लिया। मैं आपके सामने ही इसे ओपन करी और इसकी भी मैं पिक साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना। रेटिंग वगैरह एवरीथिंग मैं वहां मेंशन कर दूंगी। तो ये कुछ ऑफ व्हाइट कलर का पर्स था, मुझे ये दिखने में बहुत अमेजिंग लग रहा था। तो यस, अभी हैंड में आ गया, अभी इसकी क्वालिटी चेक करके बताऊंगी कि कैसी है, एग्जैक्ट वैसी ही है या फिर कुछ और है। तो मुझे मीशो की एक चीज अच्छी लगती है कि ये मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी तरह से बिल्ड करके चीज को भेजते, जल्दी खराब नहीं हो सकती। ओ माय गॉड, मतलब मीशो तुम क्या भेज रहे हो पहले। अभी आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रियली इट्स अमेजिंग पर्स फ्रॉम ब्लिस। जी हाँ, ये जो कंपनी का नेम है, दिस इज ब्लिस। तो इसकी जो फैब्रिक है आप चेक कर सकते हैं, पहले आप इसकी डिटेलिंग, इसका स्ट्रक्चर, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, आई रियली लाइक इट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो लॉक सिस्टम है कुछ इस तरह से घुमावदार है, इजी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यस, ये कुछ ऑफ व्हाइट कलर का है, तो इसके अंदर हमें मिल जाती है ये एक लॉन्ग चेन, 1 जिप है इसकी भी। तो इसके अंदर भी दो पार्ट में ये हमें, पर्स अवेलेबल मिल रहा है जिसकी 2 पार्टीशन है। पहले तो इनका ये कचरा ना पता नहीं क्यों भेजते हैं भाई, इसी जगह मुझे पैसे वैसे डाल के भेज दो तब भी कुछ मानो कि हाँ रिव्यू देने का कुछ तो प्रॉफिट आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बट मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगी, डोंट वरी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपसे बोलूं। तो जी हाँ, इसके कुछ ये 2 पार्ट में ये डिवाइड है, और बीच में इसकी आपको जिप जो है अवेलेबल मिल जाती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, फैब्रिक है, बहुत अच्छा है। आई हाईली हाईली रिकमेंड। तो ये पर्स तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप देख सकते हैं, इजी आप इसे बंद कीजिए एंड ले जाइए, हाईली हाई। तो बात करते हैं हमारे इस वाले पर्स की। ये मतलब बहुत ज्यादा कह लो कि ट्रेंडिंग जा रहा था, तो मैंने बोला क्यों मैं भी ट्राई कर लूं। तो जी हाँ, इसका भी मैंने काफी सारे वीडियोस देखी थी, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। और
इनके इसकी जो प्राइस था ना वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी था, तो ऑलमोस्ट ये सारे पर्स अफोर्डेबल हैं, तो ये मुझे कुछ ज्यादा अफोर्डेबल लगा, तो मैंने सोचा कि ये काफी ज्यादा वायरल भी है तो लेट्स अभी चेक करना तो बनता है। तो जी हाँ, ये भी कुछ ऑफ व्हाइट कलर का ही है, आप चेक कर सकते हैं, ये भी ऑफ व्हाइट शेड में है। तो ये ना मुझे काफी सारे इसके पॉजिटिव रिव्यू थे, नेगेटिव आप सोच सकते हो कि जहाँ पॉजिटिव रिव्यू होंगे नेगेटिव भी होंगे, तो मैंने सोचा मैं खुद ट्राई करती हूँ एंड जेन्युइनली बताती हूँ कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इशू है क्या। ये क्या हो रहा है, रुको इसे मैं सेट कर लूँ पहले। तो जी हाँ, अब ठीक है, तो इसकी जो एग्जैक्ट लुक है कुछ इस तरह से है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो जी हाँ, अगर मैं इसकी अभी रेटिंग तो बाद में दूंगी, पहले इसका फुल डिटेलिंग चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, ये कुछ इस तरह की चेन के साथ हमें रिसीव होता है, और इसका जो लॉक का सिस्टम है आप चेक कर सकते हैं इस तरह से है, और इसके भी अंदर अच्छी खासी वाली स्पेस है, मतलब अगर बात की जाए स्पेस की तो स्पेस है इसके अंदर, ये एक पॉकेट हमें रिसीव हो जाती है। तो जी हाँ, इसकी भी अच्छी खासी स्पेस है, जिप है अंदर, तो अगर आप लॉन्ग टाइम मतलब कहीं दूर भी जा रहे हैं तो इसमें अवेल अच्छी तरह से जो है काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं हम, तो इसका जो लॉक है वो भी अच्छा है, और इसके पीछे भी हमें एक ये जिप मिल जाती है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अब बात करते हैं इसकी रेटिंग की। तो जी हाँ, इसका जो रेटिंग है वो जेन्युइन बताऊँ तो 100 out of 100 मैं 6 दूंगी, 6.5। क्यों दूंगी, पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा मतलब हैवी चीज़ें आप इसमें नहीं डाल सकते, कि आप बोलो जैसे काफ़ी हैवी चीज़ें नहीं, अगर आप हाँ अगर आप नियर जाना चाह रहे हो या फिर एक ऑफिस सॉरी कॉलेज गर्ल हो, वन टू बुक्स या व्हाटएवर कुछ हल्का फुल्का इसमें डाल के लेके जा सकते हो, तो यस पॉजिटिव भी है नेगेटिव, पर आप ज़्यादा देख लो कि 6.5 दिए हैं, तो मतलब पॉजिटिव ही हुआ ना, तो आप ले सकते हैं, इसमें आपको कोई डीमोटिवेट या डिसअपॉइंटेड वाली चीज़ नहीं होगी, डेफिनेटली आप इस पर्स के साथ भी जा सकते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बैग, ये बैग को ना मैंने दिल से खरीदा है, समझते हो, एक तो इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा है, इसकी भी मैं पिक साइड में लगा रही हूँ आप देख लेना, बट इसके बारे में मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पहले इसे देखना है फिर आप लोगों को बताना है कि ये मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा है या फिर नहीं। और अगर आप बात की जाए इसके कलर की तो वो भी मैं बता देती हूँ, हर बार की तरह मेरा फेवरेट शेड है ऑफ व्हाइट शेड, मुझे ना ऑफ व्हाइट कलेक्शन का इतना गंदा चस्का है ना, क्या ही करूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ मुझे रिसीव हुआ है। मुझे पता है आप लोगों के अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही होगी कि यार ऐसा कौन सा पर्स है जो मैम को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है या व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट ओ माय गॉड इसे टच करके जो फीलिंग आई है ना, लाइक एक लग्जूरियस टाइप बैग की है, बस इसी इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी और अच्छी कर देते तो ये फाइनली एक लग्जूरियस बैग की तरह ही है। वाओ, इसका ये जो पीयू स्ट्रक्चर है ना, मतलब इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैंने पहले बोला है, पहले मैं आप लोगों को इसकी डिटेलिंग चेक करवा देती हूँ, सब कुछ चेक करवा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इस पे क्यों फिदा हूँ, मुझे ये क्यों ज्यादा पसंद आया है या क्यों इसको मैं ज्यादा रिकमेंड कर रही हूँ। तो पहले आप इसकी डिटेलिंग चेक कर लीजिए कि ये कुछ इस तरह से हमें रिसीव्ड हो रहा है, इसके साथ हमें ब्यूटीफुल सी चेन रिसीव हो जाती है, इसका भी लॉक का सिस्टम वैसा ही है जो प्रीवियस वाले पर्सेस का है। तो जी हाँ, ये हैंडबैग मुझे बहुत अच्छा लगा है, एक तो इसका पीयू स्ट्रक्चर है, ऊपर से इतना ज्यादा इसका जो लग्जूरियस टाइप का जो ये जो पीयू स्ट्रक्चर रेडी किया गया बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, और ऊपर से इसका जो स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर स्पेस भी अच्छी खासी दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं, मतलब ऑफिस गर्ल हो, कॉलेज हो, कहीं भी जाना हो, आग बंद करो और ले लो भाई, मतलब इतनी स्पेस वाला हैंड बैग, ऊपर से इसका जो लुक है ना, मतलब व्हाइट और गोल्डन का जो इन्होंने मतलब मिक्सचर सा दे रखा है, लाइक व्हाइट के ऊपर ये गोल्डन की वर्किंग, और इसकी ये जो चेन है ना, अब चेन की डिटेलिंग चेक करो कि एक लोकल मार्केट चेन लग ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब आप मैं अभी आपको क्या बोलूं कि इसका क्या रिस्पांस या क्या इंप्रेशन पड़ रहा है मेरे पे, बस इतना बोलूंगी जाओ और ले लो, और इस प्राइस में इतनी अच्छी चीज मीशो से मिलना आई कॉन्ट बिलीव दैट, बट विश्वास करना पड़ेगा। अगर रेटिंग की बात की जाए तो ये एक सेकेंड पर्स ऐसा है जिसे मैं
10 out of 10 रेटिंग दे रही हूँ। जी हाँ, इसकी रेटिंग की बात करूँ तो प्रॉपर 10 out of 10 है, हाईली रिकमेंड है, अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, आप इजी से परचेज कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहीं से आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो मुझे ये पर्स बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, लाइक बहुत ज्यादा सॉलिड है इसकी। आप अगेन से क्वालिटी चेक कर लीजिए, मतलब मैं तो इस वाले बैग की दीवानी हो गई। ये जो था आज का मेरा मीशो बैग हॉल है, होप है कि आपको ये बहुत ज्यादा हॉल पसंद आया हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस बेस पे चाहिए मुझे ये भी बता दीजिए। और रुको 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 रुको, इस बैग में आपको कौन सा बैग सबसे ज्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट सेशन में बताइए। और आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, अपना नाम विद हाई और शेयरिंग कितनी की है वो कमेंट सेशन में लिखिएगा। मैं आपको एक पर्सनल मैसेज करके आपका एड्रेस लेके आपको आपका फेवरेट बैग डिलीवर करने में हेल्प करूंगी। आप इनमें से कोई भी अपना फेवरेट बैग पिक कर सकते हैं ताजो मैं आपको आपका गिफ्ट जो है टाइम पे दे सकूं। तो जी हाँ, आपको अगली वीडियो किस बेस पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा और दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताजो आपका गिफ्ट आप तक टाइम से मिल सके। और एक और बात बता दूं, आप इस चैनल की बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, सारे अपडेट्स लेते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।